हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यस गाइस, आज की वीडियो में हम आपको शाइस्ता लोदी के लाइफस्टाइल और उनकी कंप्लीट बायोग्राफी के बारे में बताएंगे। शाइस्ता लोदी जो करंटली ड्रामा सीरियल समझौता में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही हैं, वो एक बार फिर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी फैंस के दिल जीत रही हैं। वेल गाइस, अगर आप शाइस्ता लोदी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शाइस्ता लोदी एक बहुत ही बासलाहियत पाकिस्तान की होस्ट और अदाकारा हैं। वो 26 नवंबर 1977 को कराची पाकिस्तान में पैदा हुई और इसी शहर में पली बढ़ी। अगर उनके करंट रेजिडेंस के बारे में आपको बताएं तो करंटली शाइस्ता लोदी कराची शहर में ही मुकीम हैं। वेल गाइस, अब बात करते हैं शाइस्ता लोदी की एजुकेशन की। तो शाइस्ता लोदी के पास MBBS की डिग्री है जो उन्होंने कराची से हासिल की है। उन्होंने अपनी एजुकेशन द पाकिस्तान नेवी स्कूल से हासिल की। 24 की दुनिया के अलावा वो अपना क्लीनिंग द एस्थेटिक क्लीनिंग के नाम से लाहौर शहर में चला रही है। नाउ गाइस, बात करते हैं शाइस्ता लोदी की फैमिली की। तो शाइस्ता अपने तीन भाइयों की इकलौती बहन है। उनके ब्रदर सहार लोदी जो कि एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तानी अदाकार और होस्ट हैं। शाइस्ता लोदी की पहली शादी वकार वाहदी से 1992 में हुई। अनफॉर्चुनेटली दोनों ने शादी के 20 साल बाद अपने रास्तों को जुदा कर लिया, जिसके बाद 2015 में शाइस्ता ने अपने फर्स्ट कजन अदनान लोदी से दोबारा शादी की, जिसके बाद वो तीन बच्चों की माँ है। शाइस्ता लोदी ने अपनी जिंदगी का कुछ अरसा साउथ अफ्रीका में भी गुजारा, लेकिन करंटली शाइस्ता लोदी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ कराची शहर में मुकीम है। वेल गाइस, बतौर मेजबान अगर उनके कैरियर पर एक नजर डालते चले तो शाइस्ता ने अपने शोबीज कैरियर का आगाज काफी अरसा कबल टेलीविजन मेजबान के तौर पर किया था। वो मुख्तलिफ मॉर्निंग शो से मुंसलिक रही, जिनमें गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, उठो जागो पाकिस्तान और इसके अलावा और भी बहुत से चैनल्स के लिए वो मॉर्निंग शोज करती रही हैं। उन्हें टेलीविजन प्रेजेंटर की हैसियत से बहुत ही ज्यादा मकबूलियत मिली। जी हाँ गाइस, शाइस्ता लोदी ने ना सिर्फ पाकिस्तानी अदाकारों के बल्कि उन्होंने बॉलीवुड के कई अदाकारों के भी इंटरव्यू किए हैं। वेल गाइस, शाइस्ता लोदी के बतौर अदाकारा कैरियर पर नजर डाली जाए तो शाइस्ता ने छोटे पर्दे की शुरुआत 2016 में फैसल कुरैशी और सबूर अली के साथ ड्रामा सीरियल वादा से की। अगरचा ये सीरियल हिट हो गया, लेकिन फिर भी उनकी अदाकारी लोगों को उस तरह से इम्प्रेस ना कर पाई। अगले साल वो दोबारा एक और ड्रामा सीरियल खान में नुमान एजाज, एजाज असलम और सबा हमीद के मद्दे मुकाबल दिखाई थी। इसके बाद वो किसी और सीरियल में नजर नहीं आई, जबकि करंटली 2023 में वो ड्रामा सीरियल समझौता में बहुत ही खूबसूरत अदाकारी करते हुए दिखाई दे रही हैं। वेल गाइस, अगर शाइस्ता लोदी की नेटवर्थ के बारे में आपको बताएं तो शाइस्ता लोदी 24 से 60 to 70 लाख अर्न कर रही है। इसके अलावा शाइस्ता लोदी बहुत से ब्रांड्स भी चला रही है, जिसमे उनका क्लोथिंग ब्रांड भी शामिल है। नाउ गाइस, बात करते हैं शाइस्ता लोदी की अचीवमेंट्स और अवार्ड्स के बारे में। तो शाइस्ता लोदी कई अवार्ड रिसीव कर चुकी हैं। उन्हें 2006 में सिटी टैलेंट वेमेन अवार्ड मिला, जिसके बाद 2009 में उन्हें डालडा एक्सप्रेस मदर का एजाजी अवार्ड भी मिला। 2010 में शाइस्ता लोदी को पाकिस्तान की बेहतरीन एंकर के अवार्ड से भी नवाजा गया। जी हां गाइस, अब एक नजर अगर उनके ड्रामों पर डालते जाएं तो शाइस्ता लोदी ने 2016 में वादा ड्रामा में काम किया। इसके बाद 2017 में वो खान ड्रामा सीरियल में दिखाई दी। 2021 में वो परदेश ड्रामे में, जबकि 2023 में वो ड्रामा सीरियल समझौता में काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। जी हाँ गाइस, शाइस्ता लोदी 46 इयर्स ओल्ड होने के बावजूद अपनी बहुत ही खूबसूरत अदाकारी से पाकिस्तानी फैंस को एक बार फिर अपना दीवाना बना रही हैं। वेल गाइस, आपको शाइस्ता लोदी का ये ड्रामा सीरियल कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।